सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों आज की वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम रायगढ़ जिले में रोजगार सहायक के कुछ पद निकले हुए हैं उससे संबंधित जो है सारी जानकारियां काफी विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है हमारे सामने ओपन हो गया है। ऊपर देखिए कार्यालय जनपद पंचायत तमनार जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत जो पद निकले हैं नीचे देख लीजिए। ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन नीचे देखते चले दिया गया है। कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ का आदेश क्रमांक दिया गया है। रायगढ़ दिनांक 13/10/2020 के तहत जनपद पंचायत तमनार अंतर्गत 14 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक पद रिक्त हैं। ग्राम रोजगार सहायक संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए दिनांक 27/11/2020 से लेकर 15/12/2020 तक कार्यालयीन समय में जो कि 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। नीचे देखिए उक्त दिनांक उपरांत प्राप्त आवेदन जो है उन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो टाइमिंग दिया गया है आपको देखिए 27/11/2020 से लेकर 15/12/2020 तक जो है आपको अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो निम्नलिखित कार्यालय है वहां पे भेजना पड़ेगा और उसके बाद जो टाइम है अगर आप उसके बाद भेजते हैं तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे देखिए रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है। नीचे देखिए पहला है आमाघाट जो है पंचायत का नाम, आरक्षण देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रवर्ग मुक्त है और एक पद है यहाँ पे। आम गांव देखिए अनारक्षित महिला एक पद, बड़गांव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त है और एक पद है। बुढ़िया देखिए अनुसूचित जाति महिला एक पद, जिंका बहाल अनारक्षित है महिला के लिए एक पद है। कसडोल में देखिए अनारक्षित है महिला के लिए एक पद और रई मुड़ा में देखिए अनारक्षित मुक्त एक पद। राबो में देखिए अनुसूचित जाति मुक्त एक पद, रोड़ोपाली में अनुसूचित जनजाति महिला एक पद, सामारूमा में जो है अनारक्षित है महिला एक पद, सरायपाली में अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद है। टिहली रामपुर जो है यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए महिला एक पद, तराई माल में अनारक्षित मुक्त एक पद और उत्तर रेगांव जो है यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विकलांग मुक्त एक पद और कुल मिलाकर देखिए जो पदों की संख्या है वो 14 हो जाती है। नीचे देखिए दिया गया है पद से रिलेटेड डिटेल्स में दिया गया है। देखिए पद ग्राम रोजगार सहायक न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है यह है 10वीं, किनके लिए देखिए 10वीं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति हेतु उनके लिए 10वीं जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। 12वीं किनके लिए देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग व अनारक्षित हेतु जो है 12वीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। अब नियम एवं शर्त देख लेते हैं। देखिए पहला दिया गया है प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक 28/2/2021 के लिए होगी एवं पूर्णतः अस्थायी होगी। आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति ग्राम रोजगार सहायक की उपयुक्तता का आकलन कर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो बंधनकारी होगी। नियुक्ति व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से अधिशासित होगा। दूसरा देखिए चयन प्रक्रिया दी गई है। चयन हेतु 100 अंक वाली मेरिट सूची तैयार की जाएगी जो निम्नानुसार होंगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों का अधिभार देख लीजिए 70% है। दूसरा देखिए शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम समान मानदेय पर कार्य का अनुभव पर यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ष 3 अंक के आधार पर अधिकतम 15 अंक, यानी कि यहाँ पे आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी बहुत काउंट हो रहा है। तीसरा देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा बाई देखिए सर्टिफिकेट PGDCA DCA या ITA इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे अथवा देख लीजिए इसके अलावा पंचायत सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कम से कम 6 माह का अगर आपके पास अनुभव है उस पर आपको 15 अंक मिल रहे हैं देख लीजिए। तीसरा पॉइंट देखिए ग्राम रोजगार सहायक को एकमुष्ट वेतन 5000 रुपये मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक निशक्जन के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थी को लिए जा सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है
उसका देखिए उक्त पद हेतु चयनित अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। जिन ग्राम पंचायतों में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर जनपद पंचायत क्षेत्र से उसी वर्ग के अभ्यर्थी का मेरिट अनुसार चयन कर नियुक्ति किया जाएगा। छठवां देखिए, वांछित प्रमाण पत्र एवं अनुसूची की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट, देखिए ये वाला जो जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समय पर आपको जो है आपका आवेदन पत्र भेजना है निम्नलिखित स्थान पर। इसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जो सामान्य वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक जो है कि प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकार राजस्व द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आठवां पॉइंट देखिए, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवां पॉइंट देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को लिए जा सकते हैं। दसवां पॉइंट देखिए, रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ग्यारहवां पॉइंट देखिए, निःशक्त जन उम्मीदवार के लिए मेडिकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि 40% या 40% से अधिक दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। बारहवां पॉइंट देखिए, आवेदक द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियुक्ति तिथि के 2 माह के भीतर सत्यापन प्रमाण पत्र जो है अनिवार्यता उपलब्ध कराना ही होगा आपको। बारहवां पॉइंट देख लीजिए, आवेदक द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियुक्तता तिथि के 2 माह के भीतर सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्यता उपलब्ध कराना होगा। आयु सीमा देखिए, 1/1/2020 की स्थिति में 18 वर्ष से कम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का हाल फिलहाल का जो है खिंचाया गया फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा। तीसरा पॉइंट इसी में, आवेदन पत्र अपूर्ण अस्पष्ट एवं रुतिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा तथा इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दिया जाएगा। संविदा भर्ती देखिए, नियम में 13वां पॉइंट, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश जो है लागू होंगे। 14वां पॉइंट देखिए, प्राप्त आवेदनों के संबंध में अध्यय हस्ताक्षरकर्ता का अंतिम निर्णय मान्य होगा। 15वां पॉइंट, नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जाँच सही पाए जाने पर नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा। 16वां पॉइंट, इसीलिए बोल रहे दोस्तों कि बहुत ध्यानपूर्वक बढ़ ये जो फॉर्म है इसको भरिएगा। 16वां पॉइंट देखिए, लिफाफे के ऊपर ग्राम रोजगार सहायक का पद नाम, आवेदित ग्राम पंचायत का नाम तथा आरक्षण प्रवर्ग का स्पष्ट उल्लेख करें। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 2 खाली लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। 17वां पॉइंट देख लीजिए, आवेदन पत्र का प्रारूप जो है कार्यालयीन सूचना पटल पर देखे जा सकते हैं। ये सब सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अब नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ पे जो इसका आवेदन का जो पूरा फॉर्मेट है वो दिया गया है। नीचे देखिए, ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु आवेदन पत्र, तो इस PDF का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ। इस पर डिटेल्स को जो ऊपर दिए गए हैं इसे आप एक बार खुद भी पढ़िए, और साथ ही साथ नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इसे आप जो है डाउनलोड करके इस पर सारे डिटेल्स भरते हुए ध्यानपूर्वक इसे आप स्पीड पोस्ट या अन्य पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा निम्नलिखित जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे, और समय से पहले ही भेजिएगा, जल्दी भेज दीजिएगा, क्योंकि समय के बाद अगर ये पोस्ट होता है वहाँ पे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी वहाँ, तो इसे जल्द से जल्द जो है आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पद से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स थे, सारी जानकारियाँ थी, आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में देने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।